हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं। आज फिर से हम आपके लिए एक बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी जॉब अपडेट लेके आ रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है और ये निकल के आ रही है एनआईटी सिलसार की तरफ से। वहाँ पे से जूनियर इंजीनियर, जेई सिविल और जेई इलेक्ट्रिकल की पोस्ट निकल के आ रही है। डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही एलिजिबल हैं, परमानेंट पोस्ट है। इसके लिए आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, फॉर्म को भरना कैसे है, इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, एक्सपेक्टेड सैलरी क्या रहेगी, हर चीज़ को हम यहाँ प्रॉपर डिस्कस करेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ए डी सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन एंड ISO सर्टिफाइड चैनल। फॉर रेगुलर जॉब अपडेट्स आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अन अकेडमी की तरफ से आपके लिए अन अकेडमी कॉम्बैट करवाई जाती है, जो कि इंडियाज लार्जेस्ट वीकली कॉम्पिटिशन फॉर गेट है। हर संडे सुबह 11 बजे ही आपका टेस्ट होता है, जो कि 1 घंटे का रहता है। यहाँ पे आपको 60 मिनट में गेट में आए हुए सवाल करने होते हैं। काफ़ी अच्छा लेवल होता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। चैलेंजिंग क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे ये चलता है। इसी के अलावा लाइव टेस्ट होता है। आप ऑल ओवर इंडिया लेवल पे अपनी रैंक भी पता कर सकते हैं और हर एक टेस्ट खत्म होने के बाद उसका डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा मौका है और एकदम फ्री में चलता है। हर एक ब्रांच वाला सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, CSIT यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। अगर आप जीतते हो, अगर यहाँ पे आपकी रैंक अच्छी आ जाती है तो ये कुछ प्राइजेज हैं जो कि आपको मिल जाएंगे अन अकेडमी की तरफ से, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आपकी अच्छी रैंक आती है, यहाँ पे एनरोल करने के लिए आपको अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना है और मेरा कोड CED140 यूज़ करना है। बाकी इसकी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई भी रुपया पैसा इसका नहीं लगता है, फ्री में होता है। बात कर लेते हैं सीधे आज की जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में। तो बेसिकली ये निकल के आ रही है NIT सिलसार की तरफ से, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलसार की तरफ से यहाँ पे ऐसे जॉब निकल के आ रही है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। NIT सिलसार, लोकेशन यहाँ पे इसकी असम, जॉब लोकेशन यहाँ पे आपकी असम रहने वाली है। सबसे पहले और मेन इंपॉर्टेंट बात कि ये आपकी परमानेंट पोस्ट है और यहाँ पे आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। देखो साफ साफ लिखा गया है प्रिस्क्राइब फ्रॉम इंडियन नेशनल, यानी कि आप कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया यहां पे अप्लाई कर सकते हो। NITs में हमेशा आप ऑल ओवर इंडिया लेवल पे ही अप्लाई करते हैं। यहां पे से नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जॉब निकल के आ रही है। इसका फॉर्म भरना ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, आप चाहो तो भर सकते हो। पोस्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारी पोस्ट निकल के आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हो डिप्टी रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन की है, मेडिकल ऑफिसर की है, इसके अलावा सुपरिटेंडेंट की है। हम उन सब पे ध्यान नहीं देंगे। जो हमारे मतलब की पोस्ट है, एक ही पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर JEE की यहाँ पे पोस्ट निकल के आ रही है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 37 निकल के आ रही है। तो पोस्टें काफ़ी अच्छी हैं, तो आप लोग चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। सबके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। सैलरी की बात कर लेते हैं तो पे लेवल आपका यहाँ पे 6 रहेगा, यानी कि हमारा वही जो 35,000 रहता है वो उतनी आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऐसे तो बहुत सारी पोस्ट हैं, आप अपने हिसाब से भर सकते हो। एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट निकल के आ रही हैं, ठीक है। कुछ में MBA मांगा गया है, कुछ में 10+2 है, अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। हम बस जो हमारे मतलब की पोस्ट है, यानी कि जूनियर इंजीनियर, बस उसी के बारे में बात करेंगे। तो जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है ये आप अपने सामने देख सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 9, टेक्निकल असिस्टेंट में, यहाँ पे आपको SAS असिस्टेंट स्लैश जूनियर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकल के आ रही है, ठीक है। आप देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट सेलेक्शन हो रहा है। जूनियर इंजीनियर में क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं तो अगर यहाँ पे आपने BE BTech इन सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा इन सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। तो डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट सब मिला के 37 है, मतलब सिविल और इलेक्ट्रिकल को मिला के 37 है। इंडिविजुअल किसके लिए कितना है वो चीज़ क्लियर नहीं है। इसके अलावा एग्जैक्ट सैलरी भी अभी यहाँ पे क्लियर नहीं है, बस इतना लिखा है कि पे लेवल जो हमारी 6 होता है, यानी कि जो 35,000 का जो पे चल रहा है वो आपको यहां पे मिलने वाला है और ये आपकी परमानेंट जॉब है, कोई भी संविदा पे नहीं है। फाइनल ईयर देखो यहां पे एलिजिबल नहीं है। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तभी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो, वरना आप लोग यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये बात मैंने आपको साफ साफ बता दी है। बाकी और पोस्टें भी हम देख सकते हो 10+2 के लिए हैं और भी बहुत सारी पोस्टें निकल के आ रही हैं। यहाँ का फॉर्म कैसे भरना है, तो यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए इसका एक ऑनलाइन फॉर्म है, वो आपको भरना है और भरने के बाद वो जो फॉर्म होगा उसको उसकी
आपका उसमें आपको साइन करना है, और उसके बाद आपका जितना आप देख सकते हो स्कैंड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन ड्यूली साइंड, इसके अलावा अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग हैज़ टू बी फॉरवर्डेड टू द ईमेल, यानी कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो जो आप यहाँ पे अपलोड करोगे उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, इसी के अलावा जो यहाँ का जो फॉर्म जो आप भरते हो उसकी भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको इस ईमेल आईडी पे भेज देनी है NFAPT-21@NITS.AC.IN, और मेल का सब्जेक्ट रहेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नेम ऑफ द पोस्ट यानी कि जूनियर इंजीनियर, और यहाँ पे कोलन के बाद एप्लीकेशन नंबर, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर आपको मिलने वाला है। तो ये इसका प्रॉपर तरीका रहने वाला है। इस फॉर्म के भरने की लास्ट डेट 2 जुलाई 2021 रखी गई है, तो उससे पहले आपको ये फॉर्म यहाँ पे भर देना है। मैं आप सबसे बोलना चाहता हूँ, मैं आपके लिए रेगुलर जॉब अपडेट्स ला रहा हूँ। लॉकडाउन की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है रेगुलर जॉब अपडेट्स लेके आना, खासतौर से ऐसी सिचुएशन में, इसीलिए प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे फॉलोअर्स बढ़ने पाए और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन बातों को ये बातें उन तक पहुंचने पाए। इसी के अलावा कोई भी हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है, ये बात भी मैंने आपको बता दी है। फीस की बात कर लेते हैं, तो फीस कहीं मेंशन नहीं है कि आप कितनी फीस लग रही है, तो हो सकता है फीस नहीं है। इस नोटिफिकेशन में थोड़ी बहुत जानकारी है, थोड़ी बहुत जानकारी मिसिंग भी है, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसी के अलावा थोड़ी सी अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, यहाँ पे आपका या तो रिटन टेस्ट होगा या तो यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट रहने वाला है, बट जैसे नंबर ऑफ पोस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग पक्का यहाँ पे आपका एक रिटन टेस्ट ही रहेगा। कब होगा कब तक होगा वो चीज़ पता नहीं है, ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लीजिएगा। एग्जामिनेशन सेंटर इसके कहाँ कहाँ जाएंगे ये चीज़ भी अभी क्लियर नहीं है, बाकी इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही है। इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और ये इसका पेज है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है एप्लीकेशन फॉर वेरियस पोस्ट आर टीचिंग पोस्ट NIT सिलसार। इसी के अलावा जो ये सेकंड ऑप्शन है ना, यहाँ पे आपको जाना है, इस पे क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करते हो आप इस पोस्ट पे चले आओगे, और आने के बाद क्लिक हेयर फॉर रजिस्टर में आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप अपना फॉर्म भर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, भर सकते हो। बाकी इसकी सारी जानकारी आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। सारे लिंक मैं आपको इसके वहीं पर दे दूंगा जो हमारी वेबसाइट है engineeringdestination.com। अभी थोड़ी मेंटेनेंस में है इसलिए हो सकता है कि बीच बीच में इसका सर्वर चला जाए, बट कोई बात नहीं, अगर ये रात में ये चलना ठीक हो जाए जाएगी, बाकी इसके अकॉर्डिंग आप चाहो तो अभी यहाँ पे से एक्सेस कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब के सेशन में जाके आपको ये जाके मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप इसे प्रॉपर एक्सेस कर सकते हो। तो इसकी हर एक जानकारी मैंने आपको बता दी है, तो फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि अन अकेडमी पे रोज रात के 9 बजे हमारी स्पेशल क्लास चलती है, जहाँ पे आज हम BMC के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। रोज रात के 9 बजे चलती है। आज सुबह की क्लास इसकी पोस्टपोन्ड हो गई थी, ठीक है, तो आज की क्लास इसकी शाम की हो जाएगी। इसके लिए आपको अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना है और मेरा कोड CET140 यूज़ कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।